सर अभी जो आप लोग सड़कों पे आए हैं क्या कारण है? ये आज हम लोगों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत किसान महासभा के बैनर तले आज पूरे देश के अंदर हर ब्लॉक मुख्यालय का घेराव किया जा रहा है, जिसमें मांग है कि हिंदुस्तान के अंदर जो किसान पूरे देश को अंत में काम करते हैं और हिंदुस्तान के अंदर किसानों का कोई भविष्य नहीं है, जिसकी लड़ाई आप तमाम लोगों ने देखा है कि आज दिल्ली के अंदर हजारों हजार किसान आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिसमें उन लोगों ने मांग किया है कि तीन बिहार के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जो काला कानून नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया है उस काले कानून की समाप्ति तक ये लड़ाई जारी रहेगा। और दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने देखा है कि पूरे देश के अंदर तमाम संस्थानों को जो सरकारी संस्थानें थी उनको निजीकरण में सौंपने का काम किया जा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, उस निजीकरण पर रोक लगाया जाए, इन सब मांगों को लेकर आज पूरे भारत के अंदर वाम एकता के द्वारा तमाम ट्रेड यूनियन के द्वारा आज सड़क पर उतरा गया, हड़ताल किया गया है। सर क्या लगता है आपको, निजीकरण से क्या तरक्की नहीं होगा? बिल्कुल, निजीकरण से तरक्की का मतलब यह है कि बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, जो दलाल हैं, जो माफिया है, उनका तरक्की होगा, इस देश का तरक्की नहीं होगा। और आप तमाम लोगों ने देखा है कि पूरे भारत के अंदर तमाम सेक्टर में जिस तरीके से रोजगार था, जो सरकारी नौकरी लोगों को दिया था, आज सरकारी नौकरी लोगों से छीना जा रहा है, ये निजीकरण का देन है, इसलिए पूरे भारत के अंदर आज निजीकरण का विरोध हो रहा है। कहाँ से हैं सर आप? इंदौर जिला सचिव, समस्तीपुर, आसिफोदा। मैडम अभी आप लोग जो रोड पे सड़कों पे आए हैं क्या कारण है, मुख्य कारण? देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो हमारे किसान अन्नदाता है उनको किस प्रकार से अपनी बात को दिल्ली में रोकने के लिए पूरी अपनी व्यवस्था को चौकस कर दिए हैं, उनके सवालों को नहीं सुना जाना। और जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि लगातार जो यहाँ पर तमाम चीजें, चाहे वो रेल हो, जहाज हो, बैंक हो, तमाम जो चीजें हैं, शिक्षा है, सारे चीजों का निजीकरण किया जा रहा है, तो इन सारे सवालों को लेकर हम लोग आज यहाँ सड़क पे उतरे। मैडम महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहिएगा? वो तो सबके सामने आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सिर्फ नारा दिया जा रहा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और हाल ही में आपने देखा कि हाजीपुर में किस प्रकार से हमारी बहनों को मिट्टी तेल छिड़क के जला दिया जाता है। और जब हम लोग इंसाफ की मांग करते हैं तो आज तक हमें नहीं लगता कि जबकि नेम एफआईआर रहता है फिर भी ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की मांग करते हैं, लेकिन उनको पकड़ के उनको जो सजा देनी चाहिए वो आज तक नहीं कर पाए। मैडम क्या लगता है कि इतना आंदोलन होने के बाद भी अभी एक की गिरफ्तारी हुई है और बाकी के नहीं हुए, क्या कारण है? देखिए यहाँ जो सरकार है वो उस टाइप के लोगों को संरक्षण देती है जिसके कारण वो यहाँ पर जो उस टाइप के जो बलात्कार करते हैं उसकी सुरक्षा सरकार के द्वारा की जाती है, इसीलिए उसको पकड़ा नहीं जाता। मैडम क्या नाम हुआ आपका? वंदना सिंह, एपला जिलाध्यक्ष, समस्तीपुर। सर अभी बहुत सारी चीजों का निजीकरण भी कर दिया गया है, इससे क्या लगता है कि देश की तरक्की होगी या क्या होगा? नहीं, ये तो दूसरा देश भी बता रहा है कि आप यहीं पर निजीकरण का उदाहरण देख लीजिए, पोलियो ड्रॉप के बारे में देख लीजिए कि प्राइवेट लोगों ने उसको चलाया, कितना लंबा अभियान चल रहा है, आज भी वो सफल नहीं हुआ। या एजुकेशन को देख लीजिए, जो निजी हाथ में दे दिया गया, कितनी वो भस्मासुर की तरह महंगाई उसकी बढ़ गई, फीस बढ़ गया, लेकिन कोई उपचार नहीं। आप लगातार देख रहे हैं समस्तीपुर में प्राइवेटाइजेशन का खेल, कि निजी क्लिनिक में किस तरह से 1.5 लाख रुपया ऑपरेशन का लिया जाता है, उसमें किडनी निकाल करके रख लिया जाता है, पेशेंट को जो साधारण सा ग्रामीण डॉक्टर है ऑपरेट कर देते हैं, पेशेंट मर जाता है। निजीकरण किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, इससे समस्या बढ़ती है। अगर सरकार निजीकरण करना चाहती है तो तमाम MP MLA को भी निजीकरण कर दे, अपने पार्लियामेंट को भी निजीकरण कर दे, प्रधानमंत्री अपने आप को भी निजीकरण कर दे। इसीलिए निजीकरण हमारे विचार में कोई समस्या का समाधान नहीं है, ये और समस्या इससे बढ़ता है, बढ़ाया जाता है। अब तो सर सरकारी अस्पताल की भी बात चल रही है और स्कूल वगैरह की भी बात चल रही है निजीकरण करने की। देखिए सरकारी अस्पताल के बारे में हम बताएं कि उस दिन भी आपको 4 दिन पहले रजवा की विनोद कुमार महतो की पत्नी जो मुन्नी देवी थी उसको किस तरह से समस्तीपुर में ऑपरेशन करके क्वेक ग्रामीण डॉक्टर उसका पेट चीर दिया, पेट चीरने के कारण क्या हुआ कि बच्चा जच्चा दोनों वहां पर मर गए। शांति अस्पताल में निजीकरण का आप खेल देख रहे हैं, और पूरे प्रशासन के लोग, पूरे सरकार के लोग, जो दलाल बिचौलिया है पैसा लेकर के ये मैनेज करवाने का खेल खेलते रहते हैं। हम इसके खिलाफ आप देख रहे हैं व्यापक जनता को, किसान मजदूर छात्र नौजवान को गोलबंद करके भाकपा माले एक नए तरीका से नए किस्म की लड़ाई ताजपुर में आगे बढ़ा रहे हैं। सर लगातार पूरे हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है सरकार का कि ये जो काला कानून आया है
तो इस पे आप लोग जो विरोध कर रहे हैं सर, क्या लगता है कि ये कानून वापस होगा? देखिए, पूरे देश में एक तो सबसे पहले ये चुनाव में जो वादा करके आए कि नौकरी देंगे, काला धन लाएंगे, महंगाई घटाएंगे, जब इनमें से एक भी काम ये पूरा नहीं किए तो देश का ध्यान बरगलाने के लिए इन्होंने सुविधा देने के बजाय लोगों को परेशान किया। कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी GST के नाम पर, कभी कोई और कानून ला करके, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर पूरे परेशान किए। अभी आप हाल में देख लीजिए कि लगातार ये सरकार किसान विरोधी काम कर रहा है। जो लोग पूरे देश को अनाज उपजा करके खिलाते हैं, आज उनके साथ अन्याय हो रहा है। 3 काला कानून लाया गया है, उसमें कोई किसानों की कहीं भी कोई भागीदारी नहीं रही। जब कानून बन रहा था किसान की भागीदारी होनी चाहिए, कोई भागीदारी नहीं रही। आज जो भाजपा शासित राज्य है वहां के भी किसान मार्च कर रहे हैं, कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जब किसान अपनी बात पार्लियामेंट पर बताने के लिए, दिल्ली में बताने के लिए, हुक्मरान के कान तक पहुंचाने के लिए जा रहे थे तो उन पर लाठी चलाई जा रही है, गोली चलाई जा रही है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। हम इसके खिलाफ विरोध करते हुए आज ताजपुर में NH का चक्का जाम किए हैं, फिर हम ब्लॉक पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन से मांग करते हैं कि नरेंद्र मोदी किसान पर लाठी गोली चलाना बंद करे। 2020 बिजली बिल जन विरोधी है, बिजली बिल को वापस ले, किसान को निःशुल्क बिजली, पानी, खाद, बीज, कृषि संयंत्र उपलब्ध करावे, नहीं तो आने वाले दिनों में किसान आंदोलन और तेज होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर सब हड़ताल पर जाते हैं, मात्र 3 महीना अगर किसान योजना बना करके हड़ताल पर चले जाएंगे, दूध देना बंद कर देंगे, सब्जी देना बंद कर देंगे, पूरा देश का क्या होगा ये सोच सकते हैं। आज किसान को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। जब जब किसान को कमजोर समझा गया है, किसान करवटे बदली है, और जब किसान करवटे बदलते हैं तो सत्ता हिल जाती है, सत्ता की चूल्हे हिल जाती है, सत्ता बदल जाती है। आज हम इस लड़ाई को और आगे तेज करने का वादा करते हुए ब्लॉक घेराव कर रहे हैं। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा माले, ताजपुर। Yeah!